उज्जैन से देवास 4 लेन रोड बना रही एनएचआई द्वारा रोड अलाइनमेंट बदलने से किसानों की अतिरिक्त जमीन रोड में जाने के कारण उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। देवास से उज्जैन 4 लेन रोड का निर्माण किया जा रहा है। एनएचआई द्वारा यह रोड गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी को राजस्व विभाग द्वारा अधिग्रहण के बाद बनाए गए एनएचएआई द्वारा स्वीकृत अलाइनमेंट पर रोड निर्माण का काम शुरू करना था, मगर ग्राम दताना के किसानों का कहना है कि रोड का निर्माण पेट्रोल पंप की जमीन को बचाने के लिए तय अलाइनमेंट से हटकर निर्माण किया जा रहा है। पेट्रोल पंप की जमीन बचाने के लिए रोड को किसानों की जमीन की तरफ मोड़ दिया गया, जिसके चलते उनकी बेशकीमती जमीन रोड में जा रही है। ग्राम के प्रगतिशील किसान शेरू पटेल और सुरेंद्र सिसोदिया ने बताया, गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जो अलाइनमेंट बदला गया है, उसके चलते उनके सहित ग्राम के कई किसानों की अतिरिक्त जमीन इस रोड में जा रही है। यह बात शिकायत करने पर राजस्व विभाग की जांच से भी साबित हो रहा है कि अलाइनमेंट भी बदल दिया गया है। हो नहीं रहा है, मौके पे जो है हमको जमीन का मुआवजा दिया है इधर साइड का, और अधिग्रहण करी है इनने आगे, इनकी मर्जी से जहाँ भी ये चाह रहे वहाँ काम कर रहे हैं। जमीन हमारी ये तो सरकारी हो गई इधर वाली, और उधर वाले निजी पे काम कर रहे हैं। तो इससे कम से कम 40 से 50 किसान प्रभावित हुए हैं। हमने कलेक्टर साहब को भी शिकायत करी है, भोपाल 181 पे करी है, एसडीएम साहब को दिया है लेटर, तहसीलदार साहब को भी दिया है, पर ये जो ठेकेदार है और एनएचआई कंपनी गावर कंपनी, ये इनकी मन मर्जी से काम कर रहे हैं। कुल कितने किलोमीटर का जो एरिया है खराब हो गया, सरकार को इससे जो बनने से कितना नुकसान हुआ है? सरकार को इससे बनना है में कम से कम 5-7 करोड़ का नुकसान हुआ। ये अधिकारी इनकी मर्जी से काम कर रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। भोपाल से टीम आई थी अभी, तो उनने इनको अल्टीमेट दिया है कि जहाँ से भी LAP डली हुई है उसी पे काम होना चाहिए। 10 मीटर ये दक्षिण की दिशा में कार्य कर रहे हैं, जो कि हमारी निजी भूमि है, जो कि हमने NH ऑफिस जो है अपना नेशनल हाईवे का ऑफिस है इनका, वहाँ भी गए थे हम, उनको भी बताया हमने कि ऐसी ऐसी समस्या है जो, और उसके बाद नप्ती भी करवाई हमने, तो उसके बावजूद भी ये उसी पे कार्य कर रहे हैं। मुआवजे का इशू नहीं है, इशू ये है कि जो अलाइनमेंट है इनका, जो सीक्रेट अलाइनमेंट है, जो कि इनका दिल्ली से होता है, हमको ऐसा बताया था, NH ऑफिस गए थे हम, और वहाँ के जो इनके PD सर है उनसे भी मैंने पर्सनल मुलाकात करी थी, उन्होंने भी बोला कि हाँ ये अलाइनमेंट है, तो उस अलाइनमेंट के दक्षिण की दिशा में कार्य कर रहे हैं, जो कि वो हमारी निजी भूमि है। नियम विरुद्ध काम हो रहा, बिल्कुल। इस अलाइनमेंट को चेंज करने की शिकायत जिला प्रशासन को भी मिली है। इस संबंध में SDM गोविंद दुबे ने बताया कि उनके द्वारा NHAI और निर्माण कंपनी को आदेशित किया गया है कि तय अलाइनमेंट पर ही काम किया जाए। देखिए, इसमें जो हमने भू अर्जन किया है और जो NHAI के द्वारा LAP स्वीकृत किया गया है, उसी के अनुसार उनको काम करने के निर्देश हमारे द्वारा उनको दिए गए हैं, और इसका सख्ती से पालन भी कराया जाएगा। आपने एक जांच टीम से जांच कराई थी, कितना वेरिएशन कुछ मिला है फाइंडिंग्स में क्या? जो भी उसमें फाइंडिंग आई है वो मैंने परियोजना निदेशक को प्रेषित कर दिया है, उनको बताया है कि जो आपका LAP है उससे 1 इंच का भी